और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। फिल्म एक्टर गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं, गलती से गोली चलने से घायल हुए अभिनेता गोविंदा, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगी। रिवॉल्वर साफ करते हुए गोविंदा को गोली लगी है, अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, रिवॉल्वर साफ करते हुए गोली लगी है। तो अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी है, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रिवॉल्वर साफ करते हुए गोविंदा के पैर में गोली लगी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, रिवॉल्वर साफ करते हुए गोली लगी है। फिल्म एक्टर गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक गोली लगी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगी है, गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गलती से गोली चलने से घायल हुए हैं गोविंदा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी है, गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अभिनेता गोविंदा घायल हो गए हैं, पैर में गोली लगी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली, गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म एक्टर गोविंदा अस्पताल में भर्ती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसको हम दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी है, गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हरदोई के कलेक्ट्रेट कैंपस में उस समय हड़कंप मच गया जब सुनवाई कर रहे डीएम के चैंबर के बाहर हिंदू संघर्ष समिति के लोग हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ सुन सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने बाहर आए, लेकिन संगठन के लोग डीएम को ज्ञापन देने की जिद करने लगे। आखिर डीएम से संगठन के लोगों की मुलाकात कराई गई। इन लोगों ने देवस्थान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का विरोध किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हिंदू संघर्ष समिति ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो लोग खुद ही देवस्थान का निर्माण कार्य करवाएंगे। नगर पालिका से जब सवाल पूछा गया कि क्यों तोड़ा गया, तो नगर पालिका के पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। अगर यह अतिक्रमण में आता है तो हमारे यहाँ नुमाइश चौराहे पे मजार है जो मेन रोड से बिल्कुल सटी हुई है, उस पे अतिक्रमण नहीं है। जिंद भी चौराहे पे मजार है जो अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से घंटों जाम लगती है, उस पे भी कोई कार्यवाही नहीं है, वो अतिक्रमण में नहीं आता है। सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का जो चौतरा है वही अतिक्रमण में आता है। क्या मांग की गई? हम लोगों ने डीएम साहब से मांग की है कि मंगलवार तक का आपके पास समय है, उसको आप पुनः निर्माण कराया जाए। अगर निर्माण नहीं कराया जाता है तो अगले शनिवार को हम लोग वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करेंगे और स्वयं सारे हिंदू समाज मिलके वहाँ पे उसका चौतरे का निर्माण पुनः कराया जाएगा। क्या नाम है? भव्य रूप से गुंजन त्रिपाठी।